हेलो फ्रेंड्स, आप सबका यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके में वेलकम है। सो गाइस, ये हम सेकेंड वीडियो करें इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर सैम फोर्थ, जो कि हमारी फोर्थ यूनिट है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, डी ऑर्बिटल्स की शेप्स हमने डिस्कस की थी, और हमने थोड़ा सा सीएफटी स्टार्ट भी किया था। ओके, अब देखो, थोड़ा सा मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होते हैं वो बताया था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, टर्म्स क्या है, आयन आयन इंटरेक्शन। आयन आयन इंटरेक्शंस कब होंगे, अगर मेरा लिगेंड नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब अनायन है, ठीक है, और किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मेटल एटम के साथ कर रहा है, तो आयन आयन इंटरेक्शन होगी। उसका नाम जो इंटरेक्शन होगी ना, इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन होती है, उसका एक प्रॉपर नाम दे दिया है, वो क्या है, आयन आयन इंटरेक्शन होगी, अगर लिगेंड क्या है, नेगेटिव है, यानी अनायन है, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एन नेगेटिव, तो ओके। उसके बाद मेरे पास है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन कब होती है, आयन जब मेरा लिगेंड न्यूट्रल हो, क्या हो, न्यूट्रल हो मेरा लिगेंड, और इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है। कौन कौन से होते हैं न्यूट्रल, NH3 होता है, H2O CO, ये क्या होते हैं न्यूट्रल, इनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, उस इंटरेक्शन को मैंने नाम दे दिया क्या, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझ आ गई, दो टर्म्स है, आयन आयन इंटरेक्शन एंड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन आयन इंटरेक्शन कब होती है, जब लिगेंड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा और इंटरेक्ट करेगा मेटल के साथ, ठीक है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन कब होगी, जब मेरा लिगेंड न्यूट्रल होगा और इंटरेक्ट करेगा मेटल के साथ। समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट देखो, ये अभी तक बेसिक्स था, अब हमारी स्टार्ट होती है सीएफटी, ठीक है, बेसिक ऑफ सीएफटी, ठीक है। हम लिखते हैं उसके पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस भी बोल सकते हैं, पोस्टुलेट्स भी बोल सकते हैं सीएफटी। अगर आपके पास क्वेश्चंस आता है एक्सप्लेन सीएफटी, तब भी आपको यही पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है, इसी को आप एक्सप्लेन करोगे। तो सबसे पहले क्या लिया इन्होंने, फर्स्ट पोस्टुलेट जो है हमारा वो क्या है, कि ट्रांजिशन मेटल्स इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको बताया था, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि एक क्या होगा, मेटल होगा, मेटल के साथ क्या होगा, लिगेंड होगा। अब मेटल जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, लेगा, और लिगेंड क्या करता है, देता है, डोनेट करता है। अब कोई बंदा इलेक्ट्रॉन कब देगा, कोई एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कब देगा, जब उसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फालतू मतलब कुछ ना कुछ उसके ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या बोला इसने, यही बोला कि ट्रांजिशन मेटल होता है और वो किस, उसके बाहर क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, और लिगेंड्स के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। समझ आ गया, ये फर्स्ट पॉइंट है, द ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना समझ आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, All ligands are point charge. ये चीज़ हमने पढ़ा था फर्स्ट बेसिक में, कि जो है मेटल और ligand क्या करते हैं, किसकी तरह एक्ट करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करते हैं। PT का मतलब है गाइज यहाँ पे पॉइंट, ओके, दो पॉइंट समझ आ गए। नेक्स्ट देखो, इसने ड्रॉ कर दिया, अब देखो N है, N के साथ क्या है, NH3 है, ये NH3 की मैं बॉन्डिंग शो करूं, N क्या है, एक N हो गया, उसके साथ कितने H है, 3 H है, ठीक है। H हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है N पे, स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर। सेम एग्जांपल होता है H2O का, ठीक है, या आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद है देखो थर्ड पॉइंट जो इसने किया, क्या बोला, कि इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड अनायन इज इलेक्ट्रोस्टेटिक, क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन होगी, ये हमने पढ़ लिया था फर्स्ट पॉइंट, आगे बताया था, ओके समझ आ गया। थर्ड पोस्टुलेट, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टेटिक होती है,
क्योंकि हमारा आयन और लिगेंड किसकी तरह एक्ट करता है, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करते हैं। ओके, और जो बॉन्ड बनती है मेटल और लिगेंड के बीच में, जो बॉन्ड बनती है वो 100% कौन सी होती है, आयनिक बॉन्ड होती है। प्योर मैं कह सकती हूँ कि आयनिक बॉन्ड होती है। जो हमारी VBT थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, उसने क्या बताया था कि जो बॉन्ड बनती है वो कोविलेंट बॉन्ड बनती है। कोविलेंट बॉन्ड कौन सी होती है, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती है, यानी मेटल एटम भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन्स देगा, और म्यूचुअली वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और कोविलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि टोटली क्या होती है, आयनिक बॉन्ड होती है, यानी एक ही क्या करता है, डोनेट करता है अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। तो 100% आयनिक बॉन्ड बनती है। और इलेक्ट्रॉन्स कौन देता है, इसने ये भी बता दिया, कौन देता है, लिगेंड देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड होता है, मेटल आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। अंडरस्टैंड, ओके। द लिगेंड सराउंडिंग मेटल आयन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टेटिक आ गया, यानी कुछ चार्ज है, दो मेटल और एक लिगेंड, मेटल और लिगेंड है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन है। इलेक्ट्रोस्टेटिक मतलब पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन ऑल 5 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। ओके, यानी जो जनरल नेचुरल स्टेट जो है मेटल आयन की, फ्री स्टेट है, किसी के साथ उसने कभी कंबाइन नहीं किया है अभी तक, किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाई है, वो फ्री है, अपने जैसा था वैसा ही है, सेम, कोई उसके मतलब बॉन्डिंग वगैरह नहीं हुई है, तो उसके जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, 5d ऑर्बिटल्स। अब 5d ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं वो मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, क्योंकि अभी रिपीट करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ओके, वो अगर नहीं देखी है तो आप इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो देख लो। यानी उनकी जो एनर्जी होती है ना, वो क्या रहती है, सबकी सेम होती है। जैसे देखो, हम बनाते हैं ये वाला 1, 2, 4 और 1, 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मैं कहीं पे भी फील कर सकती हूँ, क्योंकि इसकी क्या है, एनर्जी सेम है हर ऑर्बिटल की। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन ऑल द 5d ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, समझ आ गया। उसके बाद अगर सेम एनर्जी है तो उसको हम बोलते हैं डीजर्नेट ऑर्बिटल। यानी जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है, कोई मतलब फिक्स नहीं होता कि इसमें ही फील करूं मैं, इसमें ही फील करूं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें भी इक्वली है, इसमें भी इक्वली जा सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी क्या है, सेम है, तो अगर एनर्जी सेम होती है उसको हम बोलते हैं डीजर्नेट ऑर्बिटल, समझ आ गया, ठीक है। ये मेरा 5th पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, व्हेन लिगेंड कम, अभी तक हमने बात की मेटल फ्री है, लिगेंड नहीं आया उसके पास, अकेला क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। ओके, अब मेरा क्या कर रहा है, लिगेंड आ रहा है, लिगेंड आएगा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल रिपेल बाय लोन पेयर। अब मेरे पास क्या है, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स तो है, लिगेंड के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी लोन पेयर्स होते हैं लिगेंड के पास, तो उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन क्यों होती है, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है ना, रिपल्शन होगी दोनों के बीच में, तो उनकी एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा, एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा, और एनर्जी क्या करेगी, राइज करेगी, एनर्जी विल राइज। ओके, एनर्जी राइज करेगी। अब पूरा पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ, आप एक मिनट ध्यान से सुनना। ये देखो, व्हेन लिगेंड कम्स, जब मेरा लिगेंड आता है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल रिपेल बाय लोन पेयर ऑफ लिगेंड। जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो लिगेंड के लोन पेयर है उनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देयर
विल बी राइज इन द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल. ये क्या था? ये तो मेरा फ्री स्टेट में है, फ्री आयन है उसकी एनर्जी है, उसके बाद क्या हो जाएगा? एनर्जी में राइज हो जाएगा. ये समझ आ गया? एनर्जी में राइज हो जाता है. लिगेंड जब मेटल के साथ आता है, जुड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है. रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी जो है ऑर्बिटल्स की, वो क्या करेगी? इंक्रीज करती है. और क्या करते हैं? उनकी एनर्जी में राइज हो जाता है. जो एनर्जी है उसको राइज हम ऐसे ऊपर डब्बे बना के शो करते हैं. समझ आ गया? ये था फिफ्थ पॉइंट. अब देखो, व्हेन ऑल द लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल द ऑर्बिटल हैव सिमिलर इंक्रीज इन एनर्जी. ठीक है, समझ आ गया? कि देखो अब क्या है, ये तो है नहीं कि एक क्या कर रहा है, ये तो जर्नल स्टेट है. अब लिगेंड आएगा तो लिगेंड पूरे के साथ लगेगा ना, पूरे मेटल आयन के साथ लगेगा. तो पूरे के साथ लगता है तो क्या होएगा? एनर्जी में इंक्रीज तो होता है. जो इंक्रीज होने के बाद उनकी जो एनर्जी होगी ना, वो भी क्या होगी? डब जो ऑर्बिटल्स हैं अलग अलग, उनकी सेम होती है. यानी इसकी 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 इनकी वैल्यू तो सेम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या है? एनर्जी में इंक्रीज हुआ है. ठीक है, ये चीज़ बोलने जा रहे हैं. द कन्वर्जन ऑफ 5 डिजर्नेट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन इनटू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल हैव डिफरेंट एनर्जी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. अब देखो, ये हो गया जर्नल स्टेट. ठीक है, ये जो मेरा मेटल आयन है नॉर्मली फ्री स्टेट में वो है. उसके बाद लिगेंड्स आते हैं, वो क्या करेंगे? एनर्जी का इंक्रीज हुआ. इनकी जो बॉक्सेस है इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी ज़्यादा है. ठीक है, लेकिन इनकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी क्या है? सेम है. अब इसके बाद भी क्या होता है? स्प्लिट होती है एनर्जी. और एनर्जी में क्या होता है? एक इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स की. जो एनर्जी में स्प्लिट होना, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में ऑर्बिटल्स का स्प्लिट होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. समझ आ गया? डायग्राम से और अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, ये पोस्टुलेट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे. समझ लो, इजी से है, अपने आप भी बना के लिख सकते हो. ये ज़रूरी नहीं है कि यही कॉपी पेस्ट करने हैं. अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है. द नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड देयर ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ 5D. समझ आ गया? जितने ज़्यादा लिगेंड्स होंगे, कम होंगे, उनकी शेप क्या होती है, ज्योमेट्री क्या है, उसे हमारी एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है डी ऑर्बिटल्स की. ओके, उसके बाद देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रास, पर्टिकुलर जियोमेट्री कैन बी एक्सप्लेन. CFT से हम ये चीज़ें क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रा, जियोमेट्री, हम इसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये मेरे क्या थे? 8 पोस्टुलेट्स थे जो कि आपको लिखने होते हैं, कंपलसरी है. ओके, और क्वेश्चन 100% आता है क्योंकि ये मेन है चैप्टर के अंदर, तो ये तो आएगा ही आएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसको तो रट लेना. उसके बाद देखो क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. देखो अभी जो हमें करना है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स करना और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स करना है. ठीक है, दोनों सेम है, माइनर सा चेंज है. ओके, एक बार अलग अलग करेंगे, फिर मैं दोनों को कंपैरिजन के साथ आपको करवाऊंगी. अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए करें CFT. ओके, ऑक्टाहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 याद रखना है. ऑक्टा में 6 होता है, टेट्राहेड्रल में कितना हो जाएगा? 4 हो जाता है, टेट्रा में 4. ओके, अब देखो ये क्या है, मेरा मेटल आयन है. ठीक है, इसके साथ जो ये सर्कल लगे हुए हैं ये मेरे लिगेंड्स हैं. लिगेंड्स कितने लगेंगे? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी 6 मेरे कितने लगे हुए हैं? लिगेंड्स लगे हुए हैं. तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, एक बार बना के देख लेना इसको, इजी सा है, सबको इंटरेक्ट करवाना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, ये एक लाइन में ये प्लेन में आ जाएगा, एक ये प्लेन आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ,
इसकी बॉन्डिंग सबको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाना है, ठीक है? ओके, ये आपको याद करना है, थोड़ा सा बना के देख लेना, या फिर आप ये जैसे ना बना पाओ लाइंस तो आप ये भी शो कर सकती हो, मेटल आयन और सिंपल 1 2 3 4 5 6, इनको ऐसे ही क्या करना है ड्रॉ कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। उसके बाद जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें दो ऑर्बिटल्स बनते हैं, दो ऑर्बिटल्स, एक तो ई जी और एक टी टू जी, ये इसके नाम है। अब ये मत पूछना कि कहाँ से आया। अब जैसे मेरा नाम पिंकी है तो मेरे घर वालों ने रख दिया, वही चीज़ है कि साइंटिस्ट क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट किया, उसने कुछ रिजल्ट्स दिए तो उसका मन कर दिया कि ई जी और टी टू जी लिखने का, उसने लिख दिया। लेकिन जो हम ई जी यूज़ करते हैं, टी टू जी यूज़ करते हैं, ये तो इसने कॉमनली यूज़ कर लिया अपने आप, ई और टी टू। जो जी है ना, उसका कुछ लॉजिक है। जी का क्या लॉजिक है, ये हमें जो जी यूज़ करता है वो सिमिट्रिकल के यूज़ करता है। जो लिगेंड्स है, अगर वो सिमिट्रिकल पैटर्न से लगे हुए हैं मेरे मेटल आयन के साथ तो जी लगेगा, और अगर नहीं लगे हुए तो जी नहीं लगता। अब देखो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में क्या बन रही है, सिमिट्रिकल क्या है, मेरे लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो इसने क्या लिख दिया, ई जी एंड टी टू जी। समझ आया? जब मैं एग्जांपल दूंगी आपको, नेक्स्ट करेंगे हम टेट्राहेड्रल, तो अभी बता रही हूँ क्योंकि कंपैरिजन करके चलेंगे, इजीली आपको याद भी हो जाएगा। जो टेट्राहेड्रल होती है ना, उसमें ओनली हम ई एंड टी टू लिखते हैं, ठीक है? इनके जो नाम हैं दो, उसमें भी ऑर्बिटल्स दो ही बनते हैं, ठीक है? ओक्टा में ई जी, ई जी जो हम उससे भी याद कर सकते हो, कपड़े वॉश करते हैं ना, ई जी, और टी टू जी, टी टू जी, ठीक है? और टेट्रा में ओनली क्या होता है, ई होता है और टी टू होता है, जी चला जाता है। जी क्यों चला जाता है, क्यों, जो टेट्रा में जो उसकी स्ट्रक्चर बनते हैं ना, लिगेंड्स क्या होते हैं, अनसिमिट्रिकल वे से लगे होते हैं मेटल आयन के पास, अनसिमिट्रिकल, ठीक है? ये चीज़ें याद रखनी है आपको। ऑक्टाहेड्रल में सिमिट्रिकली लगे होते हैं लिगेंड्स, और टेट्रा में अनसिमिट्रिकल होते हैं, इसलिए मेरा जी जो है गायब हो जाता है, ठीक है? ये समझ आ गया? दो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ई जी एंड एक टी टू जी। नेक्स्ट क्या है, देखो, व्हेन लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल आयन अलोंग एक्सिस, एग्जांपल क्या है, ई जी रिपेल्ड मोर देन टी टू जी। जब मेरा लिगेंड आता है मेटल के पास, जो ई जी है ना, वो ज्यादा रिपेल हो जाता है किससे, टी टू जी से, ठीक है? अब देखो, ठीक है, रिपेल ज़्यादा हो गया, रिपेल ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है किससे, टी टू जी से, यानी टी टू जो तो मेरा नीचे आ जाएगा, टी टू जी, और ई जी मेरा ऊपर चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि क्या है, जो ई जी होता है, हायर एनर्जी की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे एनर्जी किसकी इंक्रीज हुई है, ई जी की, तो उसमें दो होते हैं, दो ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो डी जेड स्क्वेयर आता है और एक डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है? देखो अलग है, अलग है ना, स्क्वेयर स्क्वेयर वाले याद कर सकते हो, स्क्वेयर स्क्वेयर वाले किस में आएंगे, ई जी में आएंगे, और इनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है? उसके बाद टी टू जी, पाँच होते हैं टोटल, दो तो किस में गए, ई जी में गए, तो बच गए कितने, तीन, तीन बचे, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और थर्ड क्या है, डी एक्स जेड, ठीक है? तीन मेरे किस में आ गए, टी टू जी में आ गए। इतना समझ आ गया? ओके, अब नोट क्या लिखा हुआ, यही है कि ग्रेटर द रिपल्शन, ग्रेटर इज इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है जितना ज़्यादा रिपल्शन होता है। ओके गाइस, समझ आ गया? इतना, ये कुछ थे पोस्टुलेट्स, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक इस वीडियो में ख़त्म नहीं होगा। तो अभी तक इतने पोस्टुलेट्स हैं, इसको आप याद कर लेना, इसका जो डायग्राम है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। टिल देन
स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन क्रिएटिव स्टडी AK.